नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय अब रह गया है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो नंबर दो की पार्टी रही आम आदमी पार्टी अपने लिए संभावनाएं तलाशने में जुटी हुई है, जिसको लेकर कल सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर रहे। वहीं आज कोरोना काल में लोगों की मदद कर शोहरत पाने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ये अहम हलचल मच गई है। हालांकि इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सोनू सूद दिल्ली सरकार के खास प्रोग्राम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। दिल्ली का शिक्षा विभाग जल्द ही देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करेगा। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पिछले चुनाव में पंजाब में दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पछाड़कर सत्ता के सपने देख रही है। जहां पंजाब में कांग्रेस में अंदरूनी कलह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं बीजेपी और अकाली दल में फूट भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। दूसरी ओर केजरीवाल और सोनू सूद की मुलाकात ने पंजाब की सियासत में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। भले ही मुलाकात के बाद केजरीवाल का कहना है कि सोनू सूद दिल्ली सरकार के खास प्रोग्राम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। दिल्ली का शिक्षा विभाग जल्द देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा। सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने को राजी है। मैं हमेशा मेंटेन करता रहा हूं कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए, या क्यों नहीं आ सकते, बहुत कमाल का फील्ड है। आई थिंक अगर आप आए तो वन हैज टू बी ब्लेस्ड, बट एज ऑफ नाउ we haven't discussed anything political because ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है and this is above all। मैं बता रहा हूँ, पिछले जब मैंने मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स, तब से मुझे ऑफर्स आती रही हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और इसलिए कभी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया। अंदर मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन क्या बात हुई ये तो वो ही जाने। भले ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोनू आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में प्रचार करेंगे और उसी सिलसिले में दोनों की मुलाकात होनी है, मगर केजरीवाल से मुलाकात के बाद सोनू ने साफ कर दिया है कि उन्हें राजनीति में नहीं आना। सीएम केजरीवाल ने उन्हें देश के मेंटर योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा चुकी है और दिल्ली मॉडल के जरिए ही लगातार देश के दूसरे राज्यों में पार्टी का विस्तार देने की कोशिश है। जहां एक ओर सीएम अरविंद केजरीवाल और अभिनेता सोनू सूद इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो दिल्ली में खेल को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों और उनके कोचों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने छत्रसाल स्टेडियम में आवासीय हॉस्टल की नींव रखी। 20,92,00,000 रुपए की लागत से बन रहे 5 मंजिला इस हॉस्टल में खिलाड़ियों और उनके कोचों के लिए 64 कमरे बनाए जाएंगे। हॉस्टल 2 मैट वाले रेसलिंग हॉल, मेडिकल रूम, फिजियोथेरेपी सेंटर, जिम, स्टीम बाथ के साथ साथ अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। हॉस्टल का निर्माण कार्य करीब 16 महीनों में पूरा हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हॉस्टल बनने से खिलाड़ियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम अब तक कुश्ती में देश को 5 ओलंपिक मेडल दे चुका है। इन आधुनिक सुविधाओं, हॉस्टल और कोचिंग के साथ स्टेडियम में आगे भी देश के लिए विश्व स्तरीय पहलवानों को तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। तो कई राज्यों के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से राजधानी में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के अलावा कोचिंग क्लासेस की ओर से फिर से शुरू करने की भी अनुमति दे दी है।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना पड़ेगा और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। छात्रों के आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। अगर अभिभावक सहमति नहीं देते हैं तो स्टूडेंट्स को आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली में और देश भर में कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से रोज़ाना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अब 0.1% से लगातार नीचे चल रहा है पिछले कई हफ्ते से। तो ऐसे में आज DDMA की बैठक हुई और सब इस बात पर सहमत थे कि अब हमें इस बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है और करीब करीब दिल्ली में सारी एक्टिविटीज़ खुल गई हैं वे इकोनॉमी से संबंधित, वैसे ही अब हमें एजुकेशन की अपनी एक्टिविटीज़ को भी पटरी पर लाना चाहिए क्योंकि एजुकेशन को काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम चाहे जो कहें लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। इस बात को सब टीचर्स मानते हैं, बच्चे मानते हैं, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पढ़ाई स्कूल में आके होती है वो कभी भी घर पे बैठ के ऑनलाइन कमरों में ऑनलाइन बैठ के तो हो ही नहीं सकती है। और सब मानते हैं कि एजुकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए आज इस बारे में निर्णय लिया गया कि दिल्ली में स्कूल कॉलेज कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएँ, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएँ और ख़ास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे। उधर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मासिक बैठक आज फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन की बैठक में विपक्ष के नेता मनोज त्यागी और मनोनीत पार्षद अनीता हाकम सिंह ने न्यू अशोक नगर वार्ड की पार्षद के पति और जेठ के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि रजनी पांडे के पति और जेठ इलाके में अवैध निर्माण के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। इसके बाद सदन में दोनों पक्षों में नारेबाजी शुरू हो गई। मामले में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि जनता को चाहिए कि चाहे अधिकारी हो या फिर पार्षद, दोनों को ही रिश्वत मांगने पर तुरंत CBI से पकड़वाना चाहिए। वहीं इस मामले पर मनोनीत आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद अनीता हाकम सिंह ने बताया कि मौजूदा BJP की महिला पार्षद के पति और जेठ खुलेआम अवैध निर्माण के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। ऐसा कि अवैध निर्माण तो हुआ है लेकिन क्षेत्रवासियों की, पूर्वी दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी है। हमारे यहाँ 80% इलाका ऐसा है जहाँ पे नक्शा पास नहीं होता। 25 गज, 20 गज, 30 गज जिन लोगों ने मकान बना चुके हैं, जो मकानों के अंदर चले गए हैं उनको राहत मिले, उनका बिजली पानी का कनेक्शन लग जाए, इसलिए हम ये प्रस्ताव लेके आए थे। हंगामा जो हुआ नहीं, उसके बीच में बहुत बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। ये पूर्वी दिल्ली जनता के लाखों लाख लोगों को फ़ायदा देगा, उनको राहत मिलेगी और जब प्रस्ताव पूरी तरह बन जाएगा और उसको लोगों को राहत मिलनी चालू हो जाएगी तो लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में कांग्रेस रविवार को एक आम जन समस्याओं को लेकर जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है। किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार ने इसकी घोषणा की। दरअसल किराड़ी विधानसभा में आगामी निगम चुनाव की रणनीतियों के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा शासित MCD और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने किराड़ी में बदहाल स्थिति को लेकर दोनों सरकारों को जिम्मेदार बताया। आप किसी से ये पूछ के देखो कि 10 साल में कभी ऐसा हाल हो कि कामयाबी जो नाकामयाबी है ये सारी की सारी सरकार की है, दोनों पार्टियों की है, आम पार्टी की है, BJP की है, इनके यहाँ कौंसल रहे, इनके यहाँ MLA। मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ नाला है, इस नाले की सफाई करवा कर दो। खाली किराड़ी में ये आगे जाता है वहाँ उसमें बड़े नाले नजफगढ़ रोड, वहाँ तक अगर इसकी सफाई करी जाए और उसमें सारी मोटरें डाली जाएँ तो क्या ये पानी नहीं निकल सकता? ये पानी निकल सकता है मगर इन लोगों को कोई सोच नहीं है। एक बार चुनाव जीतने के बाद ये सब लोग जो है पैसे की तरफ भागते हैं। ऐसा ही निगम पार्षद ने कर रखा है और ऐसा ही जो है यहाँ के MLA ने कर रखा है।
एक तो जो 14 तारीख को सैनिक सम्मान किया गया था जिले के, तो हमारे जिला अध्यक्ष सबको धन्यवाद करने के लिए आए थे किराड़ी विधानसभा में, और आगे की जो रणनीति तय की गई वो अब मीडिया बंदरों के सामने ही है कि हम रविवार को एक जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी किराड़ी के साथी मिलकर, जिले के साथी मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो चारों तरफ ये पानी भरा हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी एक सौगात आपको मैं बता दूं कि जो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जी है कि आप किराड़ी के अंदर जिला अध्यक्ष जी स्वयं बैठा करेंगे, हर हफ्ते या 15 दिन में एक दिन वो खुद स्वयं यहाँ बैठेंगे सभी कार्यकर्ताओं से बात। सरकार ने किराड़ी दिल्ली में केवल दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची की है। मैं आपको बता दूं यहाँ के मकानों की बर्बादी का कारण, जो पानी मुबारकपुर रोड से लाइन की तरफ जाना चाहिए था इन्होंने दलाली के चक्कर में उल्टा किया है। पहले लाइन से पानी मुबारकपुर रोड आता है, मुबारकपुर रोड से नाले में जाता है और नाले से फिर लाइन की तरफ जाता है। ये सिर्फ पहले अनिल झा ने इसको शुरुआत करी थी, और जो इस समय है ऋतुराज झा, ऋतुराज को मैंने आमने सामने कहा है कि आखिरकार नाला जब रेलवे लाइन के नीचे से जा रहा है पानी ऊपर से नहीं जाएगा। आज मात्र रेलवे लाइन पटरी 2 फुट बाकी है, ये नाले को गहरा कराओ जिससे पानी निकल जाए। और राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में घर में घुसकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है और मौके से आरोपी फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम बिशन सिंह है और बुजुर्ग रोहिणी सेक्टर 7 स्थित मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि दोपहर में एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उनके पीछे 2 हथियारबंद बदमाश अचानक से पहुंच गए और हाथापाई करने लगे। इस दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेरे पापा आराम से बैठ के टीवी देख रहे थे, तभी कोई एक इंसान आया, उसने बोला कि गेट खोलो, तो मेरे पापा ने गेट खोला, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे पापा ने उसे धक्का दे के गेट बंद कर लिया। जैसे ही गेट की कुंडी लगाई तो 2 बंदे उसके साथ और आ गए जिनके पास पिस्टल थी। और राजधानी दिल्ली के रोहिणी नॉर्थ इलाके अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 7 में आज दिन दहाड़े सरेआम एक व्यक्ति की कुछ अनजान बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो घर मकान है जहाँ पर जो बिशन नाम के एक व्यक्ति थे वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले एक व्यक्ति आए, जो एक आदमी आया उसने उनसे जो है पहले बात की, उसके बाद उसके पीछे जो है 2 लोग आए जिनके पास बताया जा रहा है कि पिस्टल थी, और उन्होंने उनसे पहले हाथापाई की और उसके बाद जो है उन्होंने बिशन को गोली मार दी। आप देख सकते हैं कि जो मृतक बिशन है उनका परिवार जो है वो इस वक्त यहाँ पर गमगीन अवस्था में है, और जो है पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। हालांकि जो परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी हत्या किसने की है। वहीं जो अगर हम सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे रंगदारी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े सरेआम घर के बाहर एक व्यक्ति को गोली मारकर आरोपी फरार हो जाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो राजधानी दिल्ली में अपराध के ग्राफ को कम करने की दिल्ली पुलिस हर संभव कोशिश में जुटी है, साथ ही आए दिन क्रिमिनल गैंग का भी भंडाफोड़ पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारका जिला के स्पेशल स्टाफ ने अब ऐसे गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो फायरिंग और घर में घुसकर गोली मारकर दहशत फैलाते रहे। इस सभी अपराधी 5 मामलों में वांटेड थे। द्वारका जिला DCP संतोष कुमार मीणा ने बताया कि फायरिंग की कई वारदात को अंजाम देकर घर में घुसकर गोली मारकर इलाके में दहशत फैलाने और अवैध शराब की सप्लाई करने वालों से प्रोटेक्शन मनी के लिए उन्हें डराने के 5 मामले में ये वांटेड विक्की टक्कर गैंग के 3 बदमाशों को स्पेशल स्टाफ टीम ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 17 जिंदा कारतूस, पिस्टल और 2 देसी तमंचा भी बरामद हुआ है। द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने विक्की टक्कर गैंग के 3 लोगों को अरेस्ट किया है और 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 2 कंट्री मेड पिस्टल और टोटल 17 राउंड्स बरामद किए हैं। इनमें से जो पहला है इसमें जो शिवम कबाड़ी अलेस मुस्तफ़ा है ये 3 केसेज में वांटेड था, और धीरज जो है ये विक्की टक्कर का कोई विटनेस था किसी मर्डर केस में, पुराने मर्डर केस में 2015 के, उसका एक पहले मर्डर भी कर चुका है ये। तीसरा मुस्तफ़ा है जिसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट 1 है,
इनसे रिकवरी करने के, इनके जो फर्दर एसोसिएट्स बचे हुए हैं उनको अरेस्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। उधर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना इलाके में एक बुजुर्ग के साथ लूटपाट का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस ने बुजुर्ग से लूटी गई रकम को भी बरामद कर लिया। दरअसल बुजुर्ग ने थाना जहांगीरपुरी में लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद DCP उषा रंगनानी ने तुरंत संज्ञान लिया और एक टीम का गठन किया। टीम ने CCTV खंगाल कर कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले को सुलझा लिया। तो देश की राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने करोलबाग के गली नंबर 20 में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। वहीं चोरी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। ये पैसे हैं, ये करोलबाग थाना देख लो पीछे, ये पैसे अंदर देने जा रहा है जिसने क्राइम करा है, उसके बंदे को मारा है। ये 5 लाख रुपए वाले पूरे पैसे गिने हुए हमने, ये पैसे अंदर देने जा रहे हैं। ये पैसे हमारे पास है और ये पैसे हमने अपने पास रखे हुए हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये पैसे वापसी नहीं मिलेंगे। हम सबके पास है ये पैसे। ये पुलिस वाले सारी जो दोष है ना, वो जिसके होता है कांड उसी के ऊपर थोप देती है। इनको इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट है, सारा ज्वेलरी हब है करोलबाग, और यहाँ पर एक बारी भी पेट्रोलिंग नहीं होती। यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला 24 घंटे में कभी भी यहाँ पर नहीं घूमता। अपनी जिम्मेवारी को पल्ला झाड़ते हुए ये जिनके ऊपर कांड हुआ होता है उन्हीं के ऊपर ये सारी वो थोप देते हैं कि आप ही का कसूर है। फिर हमारे नुक्स निकालेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं ढंगा नहीं। पहले ये देखो कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस वालों को चाहिए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट ज्वेलर्स मार्केट है, पूरी एशिया की नंबर वन द बेस्ट मार्केट है, होलसेल मार्केट है, यहाँ पर वो कोई सिक्योरिटी का सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में विकास नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेगमपुर बस स्टैंड की ओर से जाने वाली मुख्य सड़क में नालियों के ओवरफ्लो के कारण पानी जमा हो गया है। वहीं वाहन चालकों को यहां से गुजरते समय काफी परेशानी होती है, दुर्घटना का डर उन्हें सताता रहता है। कई बार तो वाहन चालक दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिल जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की ये बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई, लेकिन आज तक इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। समस्या इस तरह भी आ रही है कि जैसे हम दुकानदार आदमी हैं यहाँ पे, अब पहले हमारे पास कस्टमर आता था, अब कस्टमर फ़ोन पे कहता है कि भैया तो आप यहाँ पानी भरा हुआ, हम नहीं आएंगे। और ऊपर से जो बैटरी रिक्शा हैं, जो लेडीज़ को बच्चों को लेके जाते हैं, रास्ते में कहीं पलट जाते हैं, उनको चोट लगती है। एक दिन तो मेरे सामने के बाद एक लेडीज़ का पैर टूट गया था रिक्शा पलटने के बाद, और एक बच्चा मर भी गया है इस जल भराव के कारण। नालों का पानी ओवर फ्लो होता रहता है, नाले जाम पड़े हैं, लगा लो 7 साल पहले नाले बने थे, ये नाले आज तक कभी साफ नहीं हुए हैं उस तरीके से। लगभग 5-6 महीने से रोड पर पानी है, एक दो बारी बारिश आई है उसकी वजह से भी है। ज़्यादातर यहाँ पर नालों का पानी जो है वो बैक मारता है, नालों की कभी सफाई नहीं होती है यहाँ पे। इसकी वजह से हर व्यक्ति, हर बच्चा, 2-3 बच्चे तो इस नालों में डूब भी चुके हैं, और 1-2 जगह तो ऐसी दुर्घटना हुई है कि वहाँ पे बच्चों की मौत भी हुई है बेगमपुर में पानी की वजह से ही। 6 महीने हो गए भैया, 6 महीने से यहाँ जल भराव है और कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और हम लोग को गोली दे देते हैं कि भाई करेंगे, और यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कोई भी नेता जितने भी आते हैं सब हाथ जोड़ के और रोड लेके चले जाते हैं, यहाँ कोई काम करवाते नहीं। दुनिया यहाँ इतनी परेशान है कि भाई साहब मेरे सामने कम से कम 20। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।